चल उनके लिए कुछ लेते चल और उनको दुआएं देते चल, थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चल, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चल। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है। जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिवड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले, कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। कहेंगे ये सोचा न समझा न जाना है, शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे ये सोचा न समझा न जाना है, शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले, चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें।
चांद तारों की रोशनी है, वो मंदिरों का दिया। उस जाने मन की बस एक झलक ने पागल मुझे कर दिया। वो मेरे सांसों की रागिनी है, वो मेरे दोनों जहां। वो मांग ले जो मुझसे कभी तो दिल क्या उसे दे दूं जान। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया। हाँ मुझे उसे प्यार हो गया। के देखा मुझे तो हुआ मेरा दिल फिदा। है उसके जैसी बड़ी सुहानी उस नाजनी की अदा। उसी के ख्वाबों में खोया रहता मैं आज कल रात भर। सुबह सुबह जब मैं आंखें खोलू आए मुझे वो नजर। से आ गिरी सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया। हाँ मुझे उसे प्यार हो गया। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया। उसे प्यार हो गया। मुझे उसे प्यार हो गया। हाँ मुझे उसे प्यार हो गया। क्या हुआ? अरे तुम पहले अपना बोले। मरहूम मुजीबुर रहमान। चुप कैसे आएगा वो आके मुझे
خان آل ملک کا امام و خطیب ہوں۔ میں بحیثیت نکاح خان کے آیا ہوں۔ میرے ساتھ تین شرعی گواہ ہیں۔ پہلے گواہ ہیں جناب محمد شمیم انور خان صاحب، جو آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور دوسرے گواہ جناب فیاض خان صاحب ہیں اور یہ رشتے میں آپ کے چچا لگتے ہیں، اور تیسرے گواہ نوشے کی جانب سے آئے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد ذکی الدین صاحب۔ یہ ہارون کالونی سیکٹر 2 فلواری شریف کے رہنے والے ہیں۔ ان دونوں تینوں گواہوں کی موجودگی میں میں آپ کا نکاح محمد عبداللہ انصاری کے ساتھ، جو جناب محمد اکرام الحق صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور جائے ہند گلی گلزار باغ پٹنہ کے رہنے والے ہیں، مہر دین بالعوض 21786 روپے سکہ رجلوت علاوہ نان النفقہ کے پڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ اجازت دے رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بسم اللہ کیجیے پہلے۔ کہیے۔ تو آواز بلند کیجیے تاکہ گواہ سن لیں۔ ہلکی آواز بھی بولیے، آواز آ جائے گی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کھینچ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عبداللہ صاحب، بڑے نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں مسرت و شادمانی کا دن لایا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہان میں آپ کو مسرت و شادمانی سے امتحان کرے۔ اور آج نئے رشتے کے حوالے سے جو آپ کے کاندھے پر جو حقوق وارد ہو رہے ہیں، اللہ اس کو سہار دے گی کہ آپ کو میں آپ کا نکاح پڑھاؤں۔ چونکہ دلہن نے اپنی نکاح کا مجھے گواہ بنایا ہے، وکیل بنایا ہے، اور میرے سے آپ تین گواہ ہیں۔ کیا میں آپ کا نکاح پڑھا سکتا ہوں؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نکاح ہونے والا ہے، نکاح کے سب سے بڑے گواہ ہیں، بلکہ یہ زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے،
बल्कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके सब आपके निकाह के हुक्मी गवाह हैं। वैसे इस्लामी शरीयत में कम से कम एक निकाह पढ़ाने वाला और दो गवाहों की मौजूदगी जरूरी है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके निकाह में आज तीन तीन गवाह आए हुए हैं। मेरा नाम अब्दुल रजाक तिर्की है और आप मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं जामे मस्जिद गुलजार बाग का इमाम खतीब हूँ और मेरे साथ तीन गवाह हैं। पहले गवाह हैं जनाब मोहम्मद शमीम अनवर खान साहब, कहाँ जी ये साहब बैठे हुए हैं और ये रिश्ते में जोड़ने के नाम रखते हैं। और दूसरे गवाह हैं जनाब फज्जार खान साहब जो ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं और रिश्ते में दुल्हन के चचा लगते हैं। और तीसरे गवाह जो आपके मामेरा भाई के लगते हैं वो मेरा भाई जनाब डॉक्टर मोहम्मद जकीउद्दीन साहब। इन तीनों गवाहों की मौजूदगी में मैंने जनाब अनवर खान साहब की साहबजादी जिसका नाम आयशा ताबिंदा है और ये अफजल कॉलोनी सुल्तानगंज पटना छः के रहने वाली है, इनका निकाह आपके साथ महरगैन 21,786 रुपये सिक्का जरूरत अलावा नफ्ता के पढ़ाए हैं जो आपकी जरूरियत में लाए हैं। आपने इसे कबूल फरमाया? जी मैंने कबूल फरमाया। तो मुझे वकील भी बनाया है। मेरे साथ तीन गवाह हैं। पहले गवाह हैं जनाब मोहम्मद शमीम अनवर खान साहब, ये फुलेहरा हाजीपुर के रहने वाले हैं और दुल्हन के रिश्ते में बड़ा सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और दुल्हन के रिश्ते में चचा लगते हैं। और तीसरे गवाह हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद जकीउद्दीन साहब जो रिश्ते में आपके फुफेरा भाई लगते हैं। इन तीनों गवाहों की मौजूदगी में मैंने जनाब मुझे आयशा ताबिंदा है और ये अफजल कॉलोनी सुल्तानगंज पटना क्षेत्र रहने वाली है, इनका निकाह आपके साथ महरगैन 21,786 रुपये सिक्का जरूरत अलावा नफ्ता के पढ़ाए हैं जो आपकी जौजियत में लाए हैं। आपने इसे कबूल किया? भाई कबील तो हाँ, सवज तो हाँ, मैंने कबूल किया। ए पालने वाली मालिक मौला तू रहमान है रहीम है मौला है करीम है। ए अल्लाह जी का निकाह इस महफिल में मुनाकिद हुआ, अपनी बारगाह में भी इसे शर्फ कबूलियत खैर ही खैर अता फरमा, भलाई भलाई नसीब फरमा, नेकी ही नेकी नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन इन दूल्हा दुल्हन के उम्र में बरकत दे, इनके रिस्क में बरकत दे, नेक और सालिह औलाद में खैर दे। जो एक दूसरे के दरमियान पूरे जिम्मेदारी और हुकूक तकसीम किए हैं वाला दोनों को उन हुकूक के अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन उन हुकूक के अदायगी में जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और किसी भी लम्हे किसी से कोई भूल चूक गलती हो जाए तो गैबी की मदद फरमा। जैसे आदम और हव्वा के और हजरत खदीजा के दिलों को जोड़ दिया, ए अल्लाह ये दूल्हा दुल्हन जिन दो खानदान के चलते रिश्ते को मजबूत मुस्तहकम कर सबकी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाह हम दोनों को दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी दे। बना तकबल मिन्ना इन्नकुम तस्मऊन وتب علينا انك انت التواب سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين. हर पल मेरी आयाता यादा विच है तू, दिल दी गल मैं दसा ते दसा फिर किन्नू। हर पल मेरिया यादा यादा विच है तू, दिल दी गल मैं दसा ते दसा फिर किन्नू। तेरी मेरी मेरी तेरी इक जिंदड़ी वटू, झूमू मैं नाचू मैं गाऊं के लिखू तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। शाम वही
तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी मैं सुनाऊं चोरी चोरी ये सबको मुझसे दूर मैं यहाँ पे मजबूर शिकवा करूँ मैं ये रब को एक दिन तुम बिन बीते लगे साल मेरा हुआ बुरा हाल मेरा हुआ बुरा हाल हाल कभी अपना मुझे तो बताओ ना ओ लौट कर वापस कभी मेरे पास आओ ना सोता कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम सोता कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना गणेश